आज हम लोगों का पहला व्लॉग है। हम लोगों की क्लास एंड हुई थी तो हम लोगों ने कहा कि चलें यूनिवर्सिटी से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अभी मेरी दोस्त हैं कायनात और हरीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यार आज गर्मी की सीजन है। हाँ जी, हाँ जी, आज आ रही है आगे से मुश्किल हो, गर्मियाँ हैं और साथ में रोजे भी हैं। और ये देखो इतना अच्छा लग रहा है। हमारे पेपर भी हैं, जो ट्रीज हैं इन्होंने इतने अच्छे से कट किए होते हैं ना, इतने अच्छे लग रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में हर चीज परफेक्ट है। हमारी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी वाले अंकल, हम इनपरफेक्ट हो सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी से हमारा एक किस्सा भी है। कायनात याद है आपको? यस बहुत अच्छे से याद है। तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत कम है ना। हमना ये देखिए, मुझे आईक्यू लेवल कम कह रही है। असल में हुआ हमारे साथ क्या था बताओ ज़रा स्टोरी। कायनात हुआ ये था कि हम लोग गए थे ऐसे ही लोग बनाते बनाते हम चले गए वहाँ पे। हाँ। जहाँ पे टीचर्स हाउसिंग स्कीम। हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे पीछे से बेल बजी, ऐसे हाथ साथ होते रहते हैं, मतलब है गाड़ी ने बेल बजाई है। वो चाइना हाउस कितना अच्छा है। चीना हाउस, चाइना हाउस, चीना हाउस है यार। चाइना की स्पेलिंग बताना। CHAIN होता है ना, चाइना ही होता है यार। चाइना की स्पेलिंग जरा सर्च करना यार। यही होते हैं गाइस, ये लड़के जा रहे हैं, दो हैं, देख रहे हैं। अच्छा गाइस ये देखो, ये ना हमने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। अभी आप सिक्योरिटी की, आप सिक्योरिटी लगाए ये सिक्योरिटी की बात सुना सुनाते कहीं और निकल गया गाइस। कोई मैं कहीं और नहीं जाती, पीछे से गाड़ी आ जाती है। वो कहते हो जाते कि हम आपको ना बताएं, नेक्स्ट वीडियो में बताएं। कोई बात नहीं कहना, तब आप इसी वीडियो में समझा देंगे आपको। अच्छा वो सिक्योरिटी का हुआ इस तरह से था कि एक दफ़ा का जिक्र है हमारे पास ना, हम ऐसे व्लॉगिंग बनाते हुए जा रहे थे, ठीक है, तो हम ना हाउसिंग स्कीम की तरफ चले गए गाइस। तो पता क्या हुआ, आगे आप बताओ। हाँ जी, तो मैंने कहा फातिमा हम आगे नहीं जाते। फातिमा कहती नहीं हम ना तुम चलो। अभी हम लोग जा ही रहे थे कि सिक्योरिटी वाले अंकल हमें पकड़ लिया। मैं इसकी बेवकूफ़ी इतनी बड़ी, मैंने टांग देखी ना पीछे भाग गई, इसने चवल रही आगे चली गई है। ये अंकल के पास जाकर खड़ी हो गई, जाकर कहती है मुझे पकड़ो, और साथ में हमें भी फंसा रहे थे, हम वहाँ से भागे और ये पीछे। मैं अंकल के पास जाके खड़ी हो गई, मैंने कहा मेरे दोस्त से कहता है मैं पीछे देख रही थी, भाग रही थी मेरे साथ। और अंकल अंकल मुझे कहते हैं यहाँ पे क्या करें, मैं भी वहाँ से भाग गई, मेरे को जाती है बगैर। अंकल हमारे पीछे तक आए लेकिन हमने स्पीड पकड़ी और ऐसे हम खंडरात में होते हुए हम लोग अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ चले गए थे, लेकिन फिर हम लोग वापस आ